नमस्कार दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो को पिछले वीडियो के कंटेंट से ही हम आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बार्क हुसैन क्राइटेरिया बार्क हुसैन क्राइटेरिया वो कंडीशंस है जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स में यूज़ करें तो वो हमारा ओ बन जाता है तो पहली कंडीशन है ए बीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू वन इसमें दोस्तों जो ए है वो आपका एम्पलीफायर का गेन है और बीटा आपका फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन या गेन फैक्टर है इन दोनों का प्रोडक्ट आपका वन के बराबर होना चाहिए ओसिलेटर्स का ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये एम्पलीफायर है और ये फीडबैक नेटवर्क है ए इन बीटा की वैल्यू आपकी वन होनी चाहिए दूसरा जो है वो ये कि अगर मैं पूरे लूप को कंसिडर करूँ तो मेरा कंप्लीट जो फेज़ इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल जीरो रहना चाहिए इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि मान लीजिए एम्पलीफायर की वजह से इन सिग्नल्स में 180 डिग्री का फेज़ इंट्रोड्यूस हो जाता है वही आपके आउट ऑफ फेज सिग्नल फीडबैक नेटवर्क के इनपुट बनते हैं तो फीडबैक नेटवर्क भी उन सिग्नल्स में 180 डिग्री का फेज़ इंट्रोड्यूस करेगा ताकि यहाँ पे सिग्नल आपका एज इट इज रहे जैसे मान लीजिए यहाँ सिग्नल कुछ ऐसा है तो यहाँ कैसा होगा आउट ऑफ फेज़ 180 डिग्री का फेज़ मतलब फेज चेंज हो जाना अब अगेन यहाँ 180 डिग्री का फ़ेज़ है तो यहाँ की जो आउटपुट है वो ऐसे ही हो जाएगी यानी इन सिग्नल्स का फेज़ बिल्कुल यहाँ पे आके सेम हो जाना चाहिए तो ये दो कंडीशंस हैं इन दो कंडीशंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो एक मैथेमेटिकल एग्जाम्पल भी मैंने लास्ट वीडियो में लिया था जिसमें एल्फा और बीटा की प्रोडक्ट को वन रखा था और वहाँ से हमने सस्टेंड ओसीलेशंस प्रोड्यूस की थी सस्टेंड ओसिलेशंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी ओसिलेशन दो पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल के बीच में लगातार ऑसिलेट करती रहेंगी ना तो उनकी मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ कम होगी ना उनकी ज़्यादा होगी तो इस टाइप की जो ओसीलेशंस होती हैं उन्हें हम सस्टेंड ओसिलेशन कहते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ओसीलेट करती हैं उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम आउटपुट पे जनरेट कराते रहते हैं और यही हमारा उसटर्स का मेन फंक्शन है नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जैसे प्रैक्टिकली लेबरेटरीज़ में हम काम करेंगे तो वहाँ पे हम अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा वन से ज़्यादा रखेंगे रीज़न क्या है हो सकता है आपका जो एम्पलीफायर है उसका गेन किसी वजह से कम हो जाए हो सकता है बीटा फैक्टर की बीटा वैल्यू किसी वजह से कम हो जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट कम हो सकता है अगर हम बिल्कुल शार्प एल्फा बीटा इक्वल टू वन रखेंगे तो इस सर्किट में नॉन लीनियरिटीज़ की वजह से एल्फा या बीटा या दोनों की वैल्यू कम हो सकती है जिससे अल्फ़ा बीटा लेस देन वन हो जाएगा और हमारी ऑसिलेशन डैम्प्ड आउट हो जाएंगी यानी धीरे धीरे ऑसिलेशन ख़त्म हो जाएंगी तो इस वजह से नॉन लीनियरिटी बिहेवियर जो है हमारे पूरे सर्किट्स का उसकी वजह से हम अल्फा और बीटा को थोड़ा सा वन से ज़्यादा रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत अगर ऑफसेट्स आता है तो उसको रिड्यूस करके अल्फा बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू वन मेंटेन रहे और हमें आउटपुट पे सस्टेंड ऑसिलेशन मिलती रहे अब दोस्तों बात करते हैं इसी वीडियो में टाइप ऑफ द ऑसिलेटर्स तो पहला जो टाइप है वो क्या है ये जो बॉक्स है मान लीजिए आपका ओसीलेटर है ओसीलेटर इनफैक्ट पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर ही होता है इसमें जो इनपुट सिग्नल है मान लीजिए हमने कुछ ऐसे इनपुट सिग्नल्स यहाँ दिए हैं साइनोसोडल सिग्नल्स तो आउटपुट सिग्नल का नेचर क्या है उसके बेसिस पे ओसीलेटर्स को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है पहली टाइप है हारमोनिक ओसीलेटर्स हार्मोनिक ओसीलेटर्स का जो आउटपुट है वो हमेशा साइनोसाइड साइनोसोइडल होगा ये हमेशा ध्यान रखना तो इस टाइप की वेवफॉर्म्स आपको आउटपुट पे मिलेंगी प्योर साइनोसोइडल आउटपुट वेवफॉर्म्स उसे हम कहते हैं हार्मोनिक ओसीलेटर्स सेकेंड टाइप के ओसीलेटर हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स इसमें जो हमारी आउटपुट है वो नॉन साइनोसोइडल होती है नॉन साइनोसोइडल्स में दोस्तों हो सकता है आपकी ट्रेंगुलर वेव हो राइट right? इस टाइप की वेव फॉर्म्स हो सकती है या हो सकता है आपके पास वेव हो इस टाइप से इस टाइप से राइट right? यानी कोई भी वेव फॉर्म जो नॉन साइनोसोडल हो अगर ऑसिलेटर की आउटपुट वो है तो उसे हम रिलैक्सेशन ओसीलेटर कहते हैं अब देखते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम को यहाँ हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं ये हमारा समर है इसके बाद फीडबैक नेटवर्क की आउटपुट और वी इनपुट जो वोल्टेज लेवल्स हैं वो ऐड होके एम्पलीफायर की इनपुट बन जाती हैं फिर यहाँ पे आउटपुट मिलता है और ये आउटपुट फीडबैक नेटवर्क में चला जाता है बीटा इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है और यहाँ पे हमें वी एफ़ यानी फीडबैक नेटवर्क की आउटपुट वोल्टेज मिल जाती है अब देखो दोस्तों जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क किससे बनता है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव कंपोनेंट से बनता है और वो कंपोनेंट होते हैं हमारे एल एंड सी क्योंकि आर रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होता है तो इसमें कॉम्बिनेशन देख लीजिए कितने टाइप के हो सकते हैं फीडबैक नेटवर्क्स के लिए पहला कॉम्बिनेशन है आर सी रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मिला के एक सर्किट बनेगा जो फीडबैक नेटवर्क कहलाएगा दूसरा कॉम्बिनेशन है एल एंड सी इंडक्टेंस uh, और कैपेसिटेंस मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाएगा जो फीडबैक नेटवर्क बनाएगा तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका एक क्रिस्टल ठीक है तो आर सी अगर है तो आर सी में हमारे दो टाइप के ओसिलेटर्स बनेंगे पहला ओसीलेटर होगा फेज सिफ्ट फेज सिफ्ट ओसीटर्स दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा ज ओसीटर वेन ब्रीज ओसीटर आर सी का अगर कॉम्बिनेशन लेते हो तो इस कॉम्बिनेशन के हेल्प से आप ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर सकते हो ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती हैं ये होती हैं दोस्तों ट्वेंटी हर्ट्स से लेके ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक राइट अब बात करते हैं एलसी अगर हमारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की कंपोनेंट uh, की हेल्प से कोई एक नेटवर्क बना है तो उसे हम कहते हैं एल फीडबैक नेटवर्क इसमें क्या होगा इसमें एक हमारा हो सकता है हार्टले ऑसिलेटर आगे चल के वन बाय वन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे दूसरा होगा दोस्तों हमारा कॉलपिट्स ऑसिलेटर्स, राइट ऑसिलेटर में आपके एल हैं जो इंडक्टर्स हैं वो दो यूज होंगे और कैपेसिटर एक यूज होगा कोलपिट्स में आपके कैपेसिटर्स दो यूज होंगे और एक आपका इंडक्टर्स inductor, यूज होगा नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल क्रिस्टल का मतलब है हम एक ऐसा स्पेशल क्रिस्टल यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्स क्वार्ट्स क्रिस्टल क्वार्ट्स क्रिस्टल अपने आप में एक इंडक्टर का, का काम करता है तो इसका यूज करके फीडबैक नेटवर्क बनाएंगे और वहाँ से एक बहुत हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसीज हम आउटपुट पे जनरेट करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो से हम जो आरसी सी कॉम्बिनेशन से हमारे ऑसिलेटर बनते हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो